Alles. Ab 21 तारीख को अष्टमी है और 30 तारीख को पार्श्वनाथ जी का जन्म दिवस है। जैनों के तीर्थंकर में से पार्श्वनाथ जी आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बनारस के विकास के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। करते हैं जीवन जीने की शैली की। जीवन जीने की बात कर रहे हैं, जीवन हम जी ही रहे हैं, मगर थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी होती हैं जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप काम करते हो, कोई दिक्कत आती है, तो हम बोल सकते हैं कि आप अपने काम में थोड़े पीछे हट गए, मगर एक चीज याद रखना, जीवन से हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, मगर मन से अगर हार गए तो उनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं रहती। लाइफ ऐसी चीज ही है, और हमेशा याद रखो, शाहकार के तांतनों से बुनी हुई अपनी जिंदगी। हम सोशल एनिमल है, यानी सामाजिक प्राणी है, और हमारी जो तांतने से बुनी हुई चीज, इसमें हम एक चीज का हमेशा ख्याल करते हैं, और वो चीज ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ऐसा जब तक सोचोगे तब तक आपके जीवन की प्रगति होना संभव नहीं है। बोल जाओ लोग क्या कहेंगे, आपको क्या करना है, आपका अंतरात्मा क्या कहता है उसको पकड़ के ले, और उसी से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हाँ, लगता है कभी कभी हम अकेले हैं, मगर आज तक जिन्होंने भी प्रगति की है, जिन्होंने भी नया आविष्कार किया है, वो सब जीवन में अकेले ही था। जब वक्त आता है, जब आविष्कार हो जाता है, जब सफलता प्राप्त हो जाती है, सब सब साथ में आ जाते हैं। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।